देख लीजिए, थोड़ी सी खरीदारी की है हमारी होने वाली सुनवाई के लिए। ताईब, ये सब किस लिए? ये तो बहुत महंगे होंगे। कर्निक साहब, अनु अब हमारी बेटी है और हमारे छोटे बेटे की शादी है, तो कुछ तो अरमान हमारे भी हैं। आप चिंता क्यों करते हैं? अरे क्यों उनको शर्मिंदा कर रहे हो? ये लड़की के माँ बाप हैं, उनके भी कुछ अरमान होंगे ना। इकलौती बेटी है, वैसे तो लड़की मैके से स्त्रीधन लेके आती है। देखना गहनों से लद के आएगी इनकी बेटी। वे कौन है तू? अब पैर काय को छूरे लिए मेरा? चलो दादा, मेरे को माफ कर दे। मैं तेरा क्या, तेरा पूरा अखा पंटे लोग का पैर छुएगी। मेरी आई को बचाने करो दादा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। चल निकल, चल चल निकल निकल, अभी कुछ नहीं हो सकता है। कलवा दादा सुन, कलवा दादा रुक, मेरे को माफ कर दो ना, मेरी हाई को बचा लो, उसको बचा लो। सुन जेल में, अब तेरे आई को खाली एक ही इंसान बचा सकता है, और वो है खुद तू। तो लेकिन तेरे को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कलवा दादा, तू जो भी बोलेगा वो इसमें करेगी, बस तो बोल। तो सुन, मेरे पास एक प्लान है, करेगी तू? प्लान? वैसे स्त्रीधन की परंपरा इसलिए है कि आगे चल के कुछ हुआ ना तो लड़के तो सब कुछ लूट ले जाते हैं, लेकिन लड़की को बेचारी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए स्त्रीधन पर ससुराल का या पति का कुछ हक नहीं होता है, वो सिर्फ उसी का होता है, लड़की का। हत्या, अब इसकी क्या जरूरत है? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, और नाम बदलने से वास्तव तो नहीं बदल जाता ना। तुम उसे स्त्री धन कहो या दहेज कहो, है तो अन्याय ही ना। हरी, तुम इनकी वकालत क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे मुंह से कड़वी बात निकाल रहा है? माफ कीजिए, वो क्या है ना, बचपन में किसी ने मुझे शहद नहीं चटाया, इसलिए कड़वी बात निकल जाती है। उसी मिठाई खा लेती हूँ। क्या है, आप जो देंगे ना सब आपकी बेटी का ही है। आप सिर्फ 25 तोला सोना दे दीजिए। सुन भाई, ये सब अभी देने की जरूरत नहीं है, जब वो ब्याह के आएगी ना तब उसे दे देंगे। अत्या, 25 तोला सोना, ये आजकल के जमाने में तो मोटी। अत्या, 25 तोला सोना ये बहुत ज्यादा है। घर की बुजुर्ग कौन है? मैं हूं ना, जो मैं कहूंगी वैसे ही होगा, सब कुछ विधिवत होगा। हाँ दिगंबरा, दिगंबरा, मैं जरा जा रही हूँ, मेरा सोने का वक्त हो गया। उन्हें तो कैसा प्लान? देख सुन, अभी
तेरे को 2 लाख रुपया चाहिए कि नहीं? अब इतना सारा रुपया तेरे को किधर मिलेगा ये मैं तेरे को बताएगा। अब वो जगह जिधर इतना सारा पैसा मिलेगा वो है बैंक। अरे घबरा मत, अब उन्हें तेरे को क्या बैंक लूटने का प्लान नहीं बताया हा? लेकिन बैंक में जो आते जाते लोग रहते हैं ना, उन लोग को टकरा के माल लंपास करने का। अरे चल, कल सुबह से काम पे लग जाना। अपने बसी से बाहर निकलती राइट मारेगी ना, उधर ही है वो बैंक। वही सब हुआ जैसा हमने सोचा था। 25 तोले सोना, 25 तोले। मैं बताती, 1 तोले का तो मंगलसूत्र, 2-3 ग्राम की छोटी मोटी अंगूठियां और 1-1.5 तोले के कंगन, साथ में वो पायल, कान के झुमके, ये सब मिला मिलो के भाई नहीं 20-25 ग्राम। इससे ज्यादा औकात है ही नहीं उनकी। 25 तोले भाई नहीं, 25 तोले। ये शादी तो पंक्चर, बिल्कुल पंक्चर। नहीं आरती, शादी तो होगी। हाँ, शादी नक्की होगी। लड़की की इज्जत बड़ी प्यारी होती है माँ बाप को। अब शादी टूट जाएगी तो मुंह कहाँ छुपाएंगे वो। नहीं, शादी तो होगी, बस फर्क इतना होगा कि वो ऊंची नाक वाली अनुपमा रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मेरे पैर पकड़ लेगी, और वो नहीं उसके बाबा। खो गए